हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अशम टेक्नोलॉजी रिसर्च। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि TL866A यूनिवर्सल प्रोग्रामर, जो मीडियम टाइप प्रोग्रामर है, कि अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं कि सब कुछ आप एक साथ कर सको, पर बहुत सारा आईसी जो है कंपनी का, तो वो आप प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर की बायोस आईसी ईपी रोम जो होता है वो आप प्रोग्राम कर सकते हो, और एटमल का आईसी प्रोग्राम कर सकते हो, और पीक माइक्रोकंट्रोलर का जो आईसी होता है वो भी आप प्रोग्राम कर सकते हो अच्छे से, तो इसलिए तो बेस्ट है। तो इस वीडियो में जो बेसिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस प्रोग्रामर जो ख़रीदा मैंने, तो उसके अंदर क्या क्या है, और मैंने एक्स्ट्रा जो है जो आईसी सॉकेट है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया, पर एक साथ नहीं आता है। और ये इसमें जो ICSP प्रोग्राम सपोर्ट होता है, और जो SGX वर्जन होता है इस प्रोग्रामर का, उसमें ICSP एक्स्ट्रा के अंदर मॉडिफाई करके आप चला सकते हो। पर इसमें क्या है, डायरेक्टली दिया हुआ होता है कि आप प्रोग्राम कर सकते हो। USB केबल है, और ये है ICSP पोर्ट के लिए जो केबल होता है वीरा, और ये प्रोग्रामर बेसिकली USB में चला सकते हैं, और इसका CD ए रहा। तो इस वीडियो में आपको कंप्यूटर का BIOS कैसे प्रोग्राम करना है वो तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, और ये रहा इसके साथ जो जो मिला मुझे, और इसको कनेक्ट करके भी मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो पिन जैसा होगा कि वो देखकर आप कनेक्ट कर लेना। और तो पिन कैसे कनेक्ट करना है ये तो आपको इसके जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन पे जाके थोड़ा सर्च कर लेना। दोस्तों, ये जो है आईसी बेस है SMD का, तो इसमें जो जो आईसी सॉकेट दिया हुआ है ये है PLCC4J, और दोस्तों ये उसका मॉडल नंबर है, तो आप देख पा रहे हो। और जो है ये PLCC20J, और ये जो है आप 200 ml का या 150 ml का IC जो प्रोग्राम करना होता है, ये भी ROM, तो वो आप इससे कर सकते हो। ये दो दिया हुआ है, एक 150 ml का और 200 ml का, ये 200 ml का था। और ये जो है EEP ROM प्रोग्राम कर सकते हो 8-pin डीप फॉर्मेट में, और पिन का जो IC होता है SSOP, मतलब कि छोटा वाला IC, वो आप कर सकते हो। ये एक ही टाइप का दो दिया हुआ है, और 24RF08 का जो डी फॉर्मेट EEP ROM होता है वो आप कर सकते हो। दोस्तों, ये जो है, और इसका पीछे की जो डायग्राम है वो मैंने आपको दिखा दिया, कि कोई दोस्त जो है वो बनाना चाहता हो अपने आप तो आप बना सकते हो, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ते। तो इसलिए मैंने जो प्रोग्रामर का दोनों साइड है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया, कि आपको आइडिया मिल जाए कैसे कनेक्ट करना है, पीसी को कैसे पिन करके रखना है। ये वाला जो है 150 ml का SOP8 जो IC, इसमें आप क्या कर सकते हो कि 16-pin का जो SMD IC होता है वो आप कर सकते हो इसमें लगा के। और दोस्तों, 16-pin का और एक वर्शन होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, तो ये रहा थोड़ा बड़ा वाला वर्शन, तो इसमें आप थोड़ा बड़ा जो IC होता है SMD का वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सब कुछ उस पैकेज में आया था, और ये टोटल जो मैंने खरीदा है वो आप दिखाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप BIOS कहाँ से मिलेगा आपको,
जो फाइल होता है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड ओरिजिनल जो वेबसाइट होता है उसमें आप जाओ, और उसके बाद जो फाइल होता है बायोस का वो आप रॉम फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको ये फाइल मिल जाएगा और इसको प्रोग्रामर में जाके पहले तो वो आईसी का जो नंबर होता है उसको आप उसमें टाइप करके ढूंढ लो। उसके बाद उस फाइल को कैसे करना है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ कि जैसे इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया और कंपनी का नाम देखकर उसके बाद जो आईसी का मॉडल नंबर होता है उसको मैंने टिक कर लिया। और उसके बाद इंफॉर्मेशन में जाके देखता हूँ तो कैसे लगाना है तो देखा दिया इसमें। और उसके बाद मैं इस डिवाइस को रीड कर लेता हूँ कि इसका जो फाइल होता है वो मैं बैकअप कर लूँ, क्योंकि अगर बैकअप फाइल जो है क्रैश हो गया तो मैं दोबारा इसमें से ला सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने पहले क्या किया, इसका जो आईडी होता है वो मैंने रीड कर लिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पिन ठीक से कनेक्ट नहीं होता है तो वो प्रोग्राम नहीं हो सकता या रीड भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने पहले तो उसका आईडी चेक कर लिया कि कनेक्शन ठीक से है कि नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो कि कौन सा मदरबोर्ड का है, तो इस नाम पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए ये फाइल पे जाना है और सेव करना है। तो दोस्तों मैंने इस फाइल को ओल्ड और उसका आईसी बैकअप लिख के उसका आईडी नंबर देके सेव कर दिया। तो बस इतना ही करना है और आपको फाइल जो है सेव हो जाता है बिन फाइल में। दोस्तों अभी क्या करना है कि ओपन फाइल करके जो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया और जो बायोस का फाइल था वो ओके करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको प्रोग्राम करने जाता हूँ। तो डिवाइस में जाके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस पे जाके आप डायरेक्ट कर सकते हो और डिवाइस पे जाके प्रोग्राम करना है और पी दबा के भी आप कर सकते हो। तो प्रोग्राम कर लेते हैं। प्रोग्राम बटन के क्लिक करने के बाद पहले तो इरेज हो जाता है, उसके बाद प्रोग्राम हो जाता है जो फाइल मैंने डाला था, और उसके बाद ये वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई हो जाने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको आईसी को कंप्यूटर की मदरबोर्ड में लगा देना है और आपका बायोस एकदम ओके हो जाएगा। और ज़्यादा को जानने के लिए आप कमेंट में आप लिख सकते हो। और आप दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना, और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसको दबा के आप हमारा नया वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आज इतना ही, और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।